बॉलीवुड मूवी पठान का एक गाना क्या रिलीज हुआ, जनता में तो जैसे बवाल ही मच गया। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ही समुदाय इस मूवी का विरोध कर रहे हैं और इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। जहां एक तरफ हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि शाहरुख की पठान मूवी में हिंदुत्व के प्रति भगवा रंग का अपमान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय की भावनाएं भी आहत हुई हैं। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब इस मूवी का गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ। और अब इसमें बड़ी बात आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस मामले में अब सदन में एक कानून बनाए जाने की बात भी कह दी। दरअसल आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। इस मूवी को लेकर अब हापुड़ जनपद में संजय निषाद ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म के दो पहलू होते हैं और उसके एक पहलू पर लोग क्या विवाद कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फिल्म बनाने से पहले सोचना चाहिए कि वो फिल्म लोगों के दिलों पर कैसे राज करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मूवी पर हो रहे विवाद को लेकर जल्द ही सदन में एक कानून बनाया जाने वाला है। पठान फिल्म को लेकर काफी विवाद चल रहा है, तो इसमें क्या? देखो, फिल्म के दो पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। अब उसके इस पहलू के लोग क्या विवाद कर रहे हैं, मैं तो इतने कहूंगा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कि बनाने से पहले जैसे पहले फिल्म बनती थी लोगों के दिलों पर राज करती थी, तो दिलों पर राज करने वाला फिल्म होना चाहिए कि न कि राजनीति का शिकार होना चाहिए। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और देश की भारतीय संस्कृति को सजोते हुए काम होना चाहिए, भारतीय संस्कृति नकारात्मक होना चाहिए। ऐसा फिल्म अगर कोई होता तो हम लोग कभी सदन में बिल लाने वाले हैं, सदन में हम लोग कानून बनाने वाले हैं। ऐसा कोई भी सब कोई भी सीन कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो राष्ट्र देश समाज के हित में अहित में हो। वह हित के लिए रक्षा के लिए यहाँ के नागरिक है, हित की रक्षा के लिए संविधान का निर्माण है। संजय निषाद यहीं नहीं रुके, आगे उन्होंने अखिलेश और शिवपाल यादव के एक होने पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि परिवार एक ही होना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है, वसुदेव कुटुंबकम, दुनिया हमारी एक है और हम लोग भी यही चाहते हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ये एक हो गए, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, परिवार एक होना चाहिए, हमारा तो संस्कृति भारतीय संस्कृति कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, दुनिया हमारी एक है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि परिवार हमेशा एक रहे, लोग मिल के रहें, तभी हम भारत का निर्माण कर सकते हैं। मैं युवाओं का सम्मान करता हूँ, राजनीति युवाओं का, भविष्य युवाओं का है। ये देश में जो भी काम है युवाओं के हिसाब से चलता है, इधर जवानी चलती उधर जमाना चलता है, ये फिर युवा शक्ति आई टी इसीलिए गठन हो रहा है, युवा मोर्चा का मेरे यहाँ गठन है, महिला मोर्चा का गठन है। तो युवाओं को मैं तो कहता हूँ कि भाई भविष्य युवाओं का है, और भविष्य बने कहते हैं कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पार्टी, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पार्टी। हम कहते हैं इतिहास जो होती है विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है और पूंजी भविष्य होता है। तो इतिहास से हम इनको जगा रहे हैं और युवाओं को इकट्ठा करके युवा मोर्चा खड़ा करके इनके भविष्य को कहते हुए राजनीति से दूर मत हो, राजनीति के अंदर आओ, राजनीति करो, राजनीति के साथ आओ, राजनीति का हिस्सेदार बनो, न कि शिकार बनो। फिलहाल अब देखना होगा कि सदन में कब तक कानून बन जाएगा और क्या शाहरुख और दीपिका की मूवी स्क्रीन पर आ पाएगी या उससे पहले ही बैन कर दी जाएगी।